भारत का शेयर बाजार एक ऐसा कुआं है जो पूरे भारत का प्यास बुझा सकता है, और भारत का शेयर मार्केट ने कईयों लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। और शेयर मार्केट में आके आपने यदि प्रॉफिट नहीं कमाया, आप लॉस में हो, तो ये आपकी गलती है, शेयर मार्केट की नहीं। शेयर मार्केट ने कईयों को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले समय में कईयों को मल्टीबैगर रिटर्न्स देंगे और उसको करोड़पति बनाएंगे, लखपति से करोड़पति बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ये कौन से शेयर है जो अभी तक मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की जिसकी संभावनाएं भी अधिक है। आपको जानना है, आइए मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे ऐसे शेयर है। हमारा पहला शेयर है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे टेक्नोलॉजी बनाती है, एप्लीकेशन बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। जो गाड़ी, नए नए गाड़ी जो अब आ रहे हैं आर्टिफिशियल बेस, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम यूज हो रहे हैं, उसमें उसके लिए काम करती है। आपको गाड़ी को बैक करने हैं तो ऑटोमेटिक वो आपके वो डिटेक्ट करके आपको पीछे जाने से, एक्सीडेंट होने से ना बचा ले। कई तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे ये काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक जो ड्राइविंग वाले हैं, जैसे टेस्ला काम करती है या और भी कई कंपनियां काम करती है, उसमें ये केपीआईटी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। यदि आपको इसमें इन्वेस्ट करने हैं, ये देखो, अब मैंने आपको बोला कि कितनों को ये रिटर्न दिए, ये देखो 550% का रिटर्न उन्होंने दे दिया है। और ये आई है कब? 2019 में। 2019 में आई है, 3 साल में इसने 550% का रिटर्न दे दिया। और अभी भी ये अभी भी इसकी सिर्फ 1800 करोड़ की कंपनी है। इसके मार्केट कैप सिर्फ 1800 करोड़ की कम है। तो आने वाले समय में इसके चांसेस हैं बढ़ने के और ये इसके रिटर्न देने के। तो ये यदि 550 या 650 के अप्रोक्स यदि ये शेयर आता है, ये इसका प्राइस आता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो। या लॉन्ग टर्म लेने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा नीचे, हाँ 600 के अप्रोक्स आ जाए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आने वाली कंपनी में एक ऐसी कंपनी है जो मल्टीबैगर रिटर्न देगी। दूसरी कंपनी है हमारी ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री आई हुई है 2019 में, ये भी 2019 में आई है, और इसको भी 3 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल में इन्होंने 750% का रिटर्न दिया, जबकि इतने गिरने के बाद ग्रीन पैनल इंडस्ट्री ने इतने रिटर्न दिए हैं। अब ग्रीन पैनल आगे भविष्य में भी रिटर्न देगी, इसका क्या ये सियोरिटी है? ग्रीन पैनल जो है वो प्लाई बोर्ड बनाती है, कई तरह के इंडस्ट्रियल प्लाई बोर्ड, हाउस होल्ड प्लाई बोर्ड, जिसको हम घर में यूज करते हैं, जैसे हम किचन सेट बनाया, हमने फर्नीचर बनाया, या और भी कोई लकड़ी के सामान बनाया, लकड़ी के कोई भी बनाया, वो उसमें हम ग्रीन पैनल के ही प्लाई यूज करते हैं। तो आने वाले समय में जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ेगी, उसी वजह से ग्रीन पैनल के भी सेल्स बढ़ेंगे। ये 303 इसका बहुत अच्छा ये सपोर्ट लेवल है, आप चाहे तो इसको बाय कर सकती है। 6 महीने में ये तो इन्होंने 30% का है, ये इसे गिर गया है, तो इसको यहाँ से हम परचेज कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मोबाइल, टेलीविजन और भी खत्म जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं इंडिया में, जो इंडियन कंपनी या इंडिया में जो बेस कंपनी है जो बनवाती बेचती है, ब्रांड बना बेचती है, वो डिक्सन टेक्नोलॉजी से बनवाती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ही है जो इन सबको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देती है। आप आजकल देख रहे हो फ्लिपकार्ट अपना स्मार्ट बैग लेके आ गया है, और उसके बाद और भी कई कंपनी है जो अपनी यहाँ पर प्रोडक्ट बना रही है। नए नए मोबाइल आए हुए हैं, जेन टेक्नोलॉजी हो गया, आई कॉल हो गए, ये सब कई कंपनियाँ। इसके अलावा और भी बड़ी भी कंपनियाँ भी हैं जो अपनी प्रोडक्ट बनवाती है, वो डिक्सन टेक्नोलॉजी से बनवाती है। और मोबाइल इंडिया में बिकना बंद नहीं होगा, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हम डेली यूज करते हैं वो बिकना बंद नहीं होगा, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के
प्रॉफिट कम नहीं होगा, तो ये आगे आने वाले समय में रिटर्न दे सकती है। जबकि अभी अभी तक इन्होंने इस कंपनी ने 412% रिटर्न दे दिए, 412%। लेकिन यही नहीं है, आने वाले समय में और भी कई कई परसेंट रिटर्न देने हैं और देंगे। नेक्स्ट कंपनी हमारी वाडे रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी, आने वाला टाइम जो है ना रीन्यूएबल एनर्जी का, चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे विंड एनर्जी हो। तो जो कंपनियां सोलर एनर्जी विंड एनर्जी में काम करती है उसका भविष्य ब्राइट है, उसका जो है फ्यूचर ब्राइट है, भविष्य उज्जवल है। तो ये कंपनी अभी इतने दिन में आई है, कब से आई है, 2012 से आई है, 2012 से अभी तक में 3400% का रिटर्न दे चुकी है। और अभी तो स्टार्ट हुआ है रीन्यूएबल एनर्जी पर, अभी अब तो गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू किया है, तो आने वाले समय में ये कंपनियां अच्छे रिटर्न देगी। आज देखो सभी का लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टॉक में नीचे सेल हुआ है और इसमें परचेज हुआ है, इसमें बाय हुए हैं, इसके शेयर भागे हैं और जितने भी शेयर हैं उसके गिरे हैं। तो हम वाड़े रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको टाइम दे सकते हैं। हाँ, हमें टाइम देना होगा, 5 साल 10 साल के लिए हमें टाइम देने होंगे, हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बहुत अच्छे, कई मल्टी बैगर रिटर्न हमें देने की कैपेबिलिटी इस कंपनी में और देगी। नेक्स्ट कंपनी हमारे गुजरात गैस लिमिटेड। अब गुजरात गैस गैस प्रोवाइड करती है। अब गैस देखो, घर में गैस यूज होते हैं, उसके बाद गाड़ी में गैस गैस की टीवी लगते हैं, सीएनजी लगते हैं। तो ये कंपनी जो है नित्य नए सेल्स, इसके अच्छे अच्छे सेल्स आ रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट दे रही है, अच्छी रिटर्न दे रही है। और गैस आपको पता है, इंसान खाना खाना बंद नहीं करेगा, खाना खाना बंद नहीं करेगा तो बनाएगा तो कहाँ बनाएगा, गैस पे बनाएगा। तो गैस बनाएगा, कंपनी गुजरा ये कंपनियाँ सेल करेगी तो कम प्रॉफिट होगा, तो ये कंपनी आगे बढ़ेगी ही, तो इसलिए गुजरात गैस में भी हम लगा सकते हैं। और दूसरी कंपनी है अडानी विलमार। अडानी विलमार के आप देखे होंगे कितने, इसके लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे इसके ये राइस हो गए, इसके व्हीट आटा हो गया इसका, उसके बाद इसके मस्टर्ड ऑयल आ गए, उसके बाद इसमें कई एडिबल प्रोडक्ट इसके आ रहे हैं। तो ये कंपनियां अडानी और विलमार के साथ मिलके बना रही है दोनों। तो ये कंपनी ऐसी हैं जिसको हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट बना रही है, और डेली यूज के प्रोडक्ट्स बनाने के बाद ये अभी कंपनी जस्ट न्यूली लिस्टेड हुई है और अभी ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ा भी, 2022 में लिस्ट हुई है, तो ये इसका अभी ज़्यादा मार्केट बढ़ा नहीं है। तो अभी हम यदि इसमें इन्वेस्ट कर दें तो हमारे लिए ये फायदे का बात होगी, ये हमारे लिए बेनिफिट की बात होगी। तो ये आज के लिए ये कुछ चार चार पांच कंपनियां हैं जो मैंने आपको अभी बताया, और भी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में और भी हम आपको कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक शेयर सजेस्ट करेंगे, अच्छे अच्छे शेयर के बारे में बताएंगे, और उसका बाय बाय लेवल भी बताएंगे कि किस बाय लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। कोई भी जानकारी हो, कुछ भी हो, गलत लगे सही लगे या जानकारी लेना हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।